पूड़ियाँ बनाना कितना आसान है देख सकते हैं। एकदम बेहतरीन सूजी से और गेहूं के आटे से इतनी टेस्टी, और देख सकते हैं एकदम फुली फुली पूड़ियाँ तैयार है रेहाना किचन में एकदम बेहतरीन तरीके से। पहले एक परात लेंगे और एक कप सूजी ले लेंगे, और सूजी को हमने पहले से ही चाल रखा है। यहाँ पे ले लेंगे गरम पानी और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप से कम गरम पानी, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पे गरम पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, और सूजी को हम छोड़ देंगे इसी तरीके से मिक्स करके फूलने के लिए। सूजी देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है एकदम। तो इसके अंदर हम डालेंगे एक लाल मिर्च को बारीक काट लिए हैं, आपके पास कूटा हुआ दरदरा है, एक चम्मच जीरा डाल देंगे, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच ले लेंगे हाथों पे अजवाइन, और हाथों से मसल के इसे फूंक मार के हम डालेंगे सौंफ, बारीक कटा हुआ धनिया ले लेंगे, थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक में ले लेंगे, कसूरी मेथी हाथों पे क्रश करके डालेंगे, कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, एक बार जरूर डालिएगा। गेहूं का आटा, गेहूं का आटा हमने चाल लिया है एक कप ले लेंगे, जितना सूजी था उतना गेहूं का आटा है, अच्छे से हम मिक्स करेंगे क्योंकि अभी हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, सूजी के अंदर काफ़ी पानी है और हमें एक टाइट डो लगाना है। ऐसा आटा हमने और ले लिया था क्योंकि गीला जैसा लग रहा था, तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद वही पानी है, पानी अभी आप नॉर्मल या गर्म ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल के हमें अच्छा से 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड तेल ले लेंगे। आप पहले ही डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी, तो ऊपर से कभी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करने पे देख रहे हैं ना, आटा इस तरीके से आसानी से हो रहा है, तो इसी तरीके का होना चाहिए। तो इसे हम अच्छे से गूंथ लेते हैं, तो आटा परफेक्ट लग चुका है इस तरीके से देख सकते हैं, एकदम अच्छा सा आटा है। तो इसे हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे जब पूड़ी बनाए तो बहुत फूले फूले क्रिस्पी हो। तो 10 मिनट हो गया है देख सकते हैं, एकदम आटा परफेक्ट हो चुका है। तो चलते हैं फटाफट पूड़ी बनाने, इस तरीके से एक दो बार हम फिर से मसल लेंगे। तो पूड़ी का साइज का हम आटा लेंगे, उधर गैस पे हम तेल को रख देंगे अच्छे से गर्म होने के लिए। तो बहुत बारीक नहीं पूड़ी हमें बेलना है, तो इतना का एकदम परफेक्ट पूड़ी तैयार हो। इधर ले लेंगे चौकी बेलन और दोनों पे अच्छे से हम तेल लगा लेंगे, चौकी और बेलन दोनों पे। इस पे भी थोड़ा सा राई कर लेंगे, पहले हाथों से हम प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से बढ़ा लेंगे, और बहुत हमें बारीक नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से, और एक ही साइज का होना चाहिए, नहीं कि मोटा पतला, चारों तरफ एकदम बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरीके का, तो इस तरीके से हम सारा बेल लेते हैं, हमने तैयार कर लिया है। तो चलते हैं फटाफट गैस पे फ्राई करने। इसे हमने तेल रख दिया अच्छे से गर्म होने के लिए, तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। ये नहीं है कि सिर्फ अष्टमी नवमी के दिन ही पूड़ी बना सकते हैं, ये पूड़ी कभी भी बना के खिलाइए बच्चों को। और देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे, तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए तभी पूड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। और इस तरीके से हम पूड़ी फूलना स्टार्ट हो गई है, तो हम एक साथ दो पूड़ी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहो तो एक ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे हम पलट लेंगे और हल्का सा इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे कलछी से, जिससे पूड़ी आसानी से फूल जाते हैं। और सूजी डालने के बाद इतनी क्रिस्पी और टेस्टी होती है कि बच्चे तो ऐसे बिना सब्जी के भी खा जाएंगे और बार बार डिमांड करेंगे इसी तरीके से पूड़ी बनाने के लिए। तो कभी भी एकदम नए तरीके से आप नवरात्रा हम पलट देंगे और दूसरी पूड़ी इसके अंदर हम, ये भी रेडी हो गया है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे और इसे हम तुरंत स्पैचुला से इस तरीके से हल्का हल्का, ये भी पूड़ी रेडी हो गई है। तो इसे भी देखिए कितना अच्छा फूला है ना, तो आपकी भी पूड़ी एकदम फूलेगी और क्रिस्पी, कुरकुरी, टेस्टी दोनों बनेगी। तो
जब पूरी वीडियो को वॉच करके आप देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे सूजी की एकदम परफेक्ट पूड़ी खिली खिली बनी है। तो देख सकते हैं ना, एकदम परफेक्ट पूड़ी है।